नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सैन स्टडी पॉइंट में। मैं हूं धर्मेंद्र। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा, जी हां दोस्तों, आज हम लेसन प्लान नंबर एक आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जो भी BEd के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कक्षा 8 जो है उसकी साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर एक इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों लेसन प्लान कैसे बनाना है, इसका क्या फॉर्मेट है, इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें, तब जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे होंगे, मैंने उस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है, उसके बाद में पाठ का क्रमांक लिखना है, उसके बाद में कक्षा लिखनी है, फिर यूनिट का नाम लिखना है, कालांश लिखना है, समयावधि लिखनी है, और आपका प्रकरण लिखना है। जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हो उसका नाम इकाई के अंदर आ जाएगा, और जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो वो प्रकरण में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य, उद्देश्य में मैंने चार तरीके के उद्देश्य बताए थे आपको, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग तथा कौशल। और जो मेरे पास ये नोटबुक है इसके अंदर बहुत सारे कौशल हैं, तो आपको केवल चार कौशल लिखने हैं, क्योंकि बहुत सी जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें ज़्यादा जो उद्देश्य हैं वो लिखे जाते हैं अपनी डायरी में, लेकिन आपको क्या करना है, केवल चार विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं कृत्रिम रेशे, तो आप ज्ञानात्मक के देख लीजिए पॉइंट कौन कौन से हैं, विद्यार्थी के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा, इस तरीके से दो पॉइंट है। विद्यार्थी कृत्रिम रेशों से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और विद्यार्थी कृत्रिम रेशों से संबंधित नवीन ज्ञान व प्रत्याभिमान कर सकेंगे। नेक्स्ट है अवबोध, इसमें भी दो पॉइंट है, विद्यार्थी कृत्रिम रेशे में अंतर कर सकेंगे, और विद्यार्थी कृत्रिम रेशे से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अनुप्रयोग। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से बनाए हुए हैं तो आप इन उद्देश्यों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो मैंने पिछले वीडियो में जो फॉर्मेट बताया था उसमें केवल चार उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग तथा कौशल। और इसमें थोड़े ज़्यादा कौशल उद्देश्य दे रखे हैं, ये जो उद्देश्य हैं ये ज़्यादा दे रखे हैं थोड़े से, तो आप देख लेना जैसा कि आपको बताया होगा आपके कॉलेजों में उस तरीके से। तो देखिए दोस्तों उद्देश्य है हमारा अनुप्रयोग, इसका जो अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन है वो क्या है, विद्यार्थी कृत्रिम रेशे में संबंधित ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कृत्रिम रेशों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च शिक्षा में कर सकेंगे। नेक्स्ट है कौशल, कौशल में देखिए आप विद्यार्थी कृत्रिम रेशों का चार्ट बनाने में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वो है उद्देश्य, वो है अभिरुचि का, इसमें आएगा विद्यार्थी कृत्रिम रेशों से संबंधित ज्ञान अन्य पत्र पत्रिकाओं से अर्जित करने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य हमारा अभिवृत्ति, इसके अंदर है विद्यार्थी कृत्रिम रेशों से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, जो उद्देश्य हमारे इस तरीके से हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सहायक सामग्री कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों देखिए सहायक सामग्री कौन कौन सी काम आएगी, सहायक सामग्री आएगी चौक, डस्टर और जितनी भी कक्षा उपयोगी सामग्री है वो सब इसके अंदर काम आएगी। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कृत्रिम रेशों में संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो ऐसा लें कि उसने पूर्व में कुछ ज्ञान प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट है प्रस्तावना के जो प्रश्न हैं किस तरीके से हैं वो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में। प्रस्तावना के प्रश्न में पहले नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र।
क्या पहनते हैं? वस्त्र। सेकंड नंबर टू, वस्त्र किससे बनते हैं? तो वस्त्र किससे बनते हैं? रेशों से। नेक्स्ट, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर भी विद्यार्थी दे देंगे, दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि कक्षा आठ के विद्यार्थी सब जानते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान रखते हैं वो। प्रश्न नंबर चार, दो प्रकार के रेशों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी आंसर देंगे प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। नेक्स्ट, कृत्रिम रेशे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, आप एक बार देख सकते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, और या फिर आप हमारी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य कथन कौन कौन सा है। उद्देश्य कथन है हमारा विद्यार्थियों, उद्देश्य कथन जो छात्र अध्यापक होता है, मतलब कि आप ये विद्यार्थियों को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्यार्थियों आज हम कृत्रिम रेशों के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है पाठ का विकास या शिक्षण विधि कौन कौन से काम आएगी इसमें। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, तीन विधि इसमें क्या काम आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों शिक्षण बिंदु देखते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि शिक्षण बिंदु को हम तीन भागों में तोड़ते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है उसको तीन भागों में तोड़ते हैं, जो शिक्षण बिंदु होते हैं हमारे। तो देखिए दोस्तों शिक्षण बिंदु है, उससे पहले शिक्षण बिंदु पर, पहला शिक्षण बिंदु है हमारा कृत्रिम रेशे। ये जो कृत्रिम रेशे हैं इस पर कैसे पहुंचा जाए, इससे पहले जो हम विकासात्मक क्वेश्चन करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं। देखिए छात्र अध्यापक क्या प्रश्न पूछेगा, वस्त्र किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर बच्चे दे देंगे, रेशों से। नेक्स्ट, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर भी बच्चे दे देंगे, दो प्रकार के। कृत्रिम रेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। क्रिया देखो, तो छात्र की क्रिया होती है वो है ध्यानपूर्वक सुनने की। नेक्स्ट है हम क्या कर रहे हैं, बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, मतलब जो विधि है, जो कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, और श्यामपट पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, देख सकते हैं आप हमारी वीडियो में। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक में छात्र अध्यापक कथन, कृत्रिम रेशों के बारे में बताएगा वो। तो कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर आदि। और जो छात्र की क्रिया है वो क्या है? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो प्रदर्शन विधि है बोर्ड पर, कृत्रिम रेशों का चित्र बना देंगे हम इस तरीके से, श्यामपट पर कोई क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट, विकासात्मक प्रश्न इसमें से कैसे पूछेंगे आप देख सकते हैं। कृत्रिम रेशे का उदाहरण दीजिए, तो आप बच्चे दे देंगे क्योंकि आपने पढ़ा दिया नाइलॉन, रेयन। कृत्रिम रेशे की परिभाषा बताइए, तो बच्चे आंसर दे देंगे मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित रेशे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशों के लाभ बताइए, तो ये आपने नहीं पढ़ाया है फिलहाल, तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशों के लाभ, ये हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट होएगा, कृत्रिम रेशों के लाभ। तो देखिए दोस्तों छात्र अध्यापक छात्रों को कृत्रिम रेशों के लाभ के बारे में बताएगा। कृत्रिम रेशों के निम्न लाभ हैं कौन कौन से हैं? ये धोने पर सिकुड़ते नहीं हैं, ये सस्ते होते हैं, कृत्रिम रेशों को धोकर सुखाने पर जल्दी सूख जाते हैं। तीन चीज़ बताइए अपने, तीन पॉइंट कृत्रिम रेशों के लाभ में, तीन लाभ अपन ने बता दिए। तो छात्र की क्रिया क्या होगी? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि। ब्लैक बोर्ड पर आप लिख सकते हैं छात्रों के प्रकार। थर्ड हमारा जो शिक्षण पॉइंट है वो है कृत्रिम रेशों में, कृत्रिम रेशों के उपयोग। तो इस पर पहुंचने से पहले कुछ विकासात्मक क्वेश्चन कर लेते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? विद्यार्थी आंसर दे देंगे, दो प्रकार के। नेक्स्ट, रेशों के लाभ बताइए, तो रेशों के लाभ बता देंगे कि वो शीघ्र सूख जाते हैं। रेशों के उपयोग बताइए, तो ये छात्र नहीं दे पाएगा इसका आंसर, क्योंकि अभी आपने उनको कुछ बताया नहीं है। विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर, क्योंकि आप विद्यार्थियों से क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न। नेक्स्ट, तीसरा जो शिक्षण पॉइंट है वो हमारा है
कृत्रिम रेशों के उपयोग, तो इसका जो आप उनको बताओगे उपयोग कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे कृत्रिम रेशों का उपयोग मुख्यतः वस्त्र, पर्दे, तिरपाल आदि बनाने में करते हैं। नायलॉन से ब्रश, रस्सियाँ और मोजे आदि बनाए जाते हैं। तो छात्र क्रिया क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनने की। और आप जो उनको बता रहे हो कौन सी विधि से बता रहे हो, व्याख्यान विधि से। आप बोर्ड पर बता सकते हो, कृत्रिम रेशों के उदाहरण लिख सकते हो इस तरीके से। वैसे साफ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, पुनरावर्ती प्रश्न। कृत्रिम रेशों की परिभाषा बताइए, कृत्रिम रेशों के लाभ बताओ, कृत्रिम रेशों के उदाहरण लिखो, कृत्रिम रेशों के उपयोग लिखो। ये प्रश्न हो जाएंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है, एबस हृदय के टाइप का आप बना दोगे, बच्चा बता देगा इसके बारे में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हो। आगे देखिए तीसरे नंबर का, इस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हो। और गृह कार्य है हमारा, कृत्रिम रेशे व प्राकृतिक रेशों में अंतर लिखो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी इस तरीके से आपको लेसन प्लान मिलते रहेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएँ। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, पहले मैं BEd के लेसन प्लान विज्ञान के डालूंगा, उसके बाद में मैथमेटिक्स और बाकी सभी सब्जेक्ट के डालूंगा। BSTC के बीच बीच में मैं लाता रहूंगा लेसन प्लान। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी वीडियो की तुरंत सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।